व्यूअर्स, कैसे हैं आप? खुदावंद से दुआ करते हैं आप सब अपने घरों में खैरियत से हों, आमीन। आज हम कोकोनट के कुकीज़ बनाएंगे, तो उसके लिए जो चीज़ें दरकार हैं वो मेरे पास है। एक कटोरी मैदा है, कोई भी कटोरी घर में से ले लीजिएगा, कप ले लें, प्याला ले लें, कुछ भी अपने हिसाब के मुताबिक। और एक कटोरी ही हमारे पास कोकोनट है, दोनों चीज़ें बराबर हैं। चीनी हाफ़ कटोरी हो जाएगी, वही कटोरी जो कोकोनट के लिए यूज़ हुई है वही चीनी के लिए है। और साथ में हमने दूध रखा है, दूध इस्तेमाल इसकी मेजरमेंट नहीं है, साथ साथ इस्तेमाल करेंगे, साथ साथ देखेंगे कितना यूज़ होता है। 1 टीस्पून हमारे पास बेकिंग पाउडर है, घी हम लेंगे मेल्ट किया हुआ, हाफ कप लेंगे। तो चीनी को डालते हैं इसमें, चीनी को डालते हैं बर्तन में और घी डालते हैं इसमें। ये देखें, हाफ कटोरी हमारे पास घी है, मेल्ट किया हुआ ये इसमें जाएगा। इसको करते हैं अच्छी तरह से मिक्स। बाकी की चीज़ें डालते हैं सारी, कोकोनट गया एक कटोरी, मैदा गया एक कटोरी, बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, थोड़ा थोड़ा सा दूध डालते जाएंगे, मिक्स करते जाएंगे। जहाँ पे हमें लगेगा कि हमारी डो सही हो गई है वहाँ पे हम दूध को रोक लेंगे। व्यूअर ये देखे, इस तरह की डो होनी चाहिए, ना ज़्यादा सख्त हो ना ज़्यादा नरम हो, इस तरह से। इनमें से कुछ तो मैंने उधर बना के कुकीज़ रख दी हैं, बाकी आपके सामने बनाऊंगी अपनी पसंद के मुताबिक, जितना बड़ा साइज़ लेना है उसके मुताबिक करके। कटर से काटने हो तब भी ठीक है, लेकिन ज़रूरत नहीं है। ये थोड़े थोड़े फासले पे रखेंगे। और प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। व्यूअर 180 सेंटीग्रेड पे मैं इसको ओवन में रखूँगी 20 मिनट के लिए, तो मिलते हैं 20 मिनट के बाद। व्यूअर पूरे 20 मिनट के बाद मैंने इनको निकाल लिया और फिर मैंने ना इनको 6-7 मिनट के लिए छोड़ दिया ऐसे ही, ताकि ये ठंडी हो जाए। गरम गरम को मैंने कोशिश की थी निकालने के लिए तो वो टूटने लगी थी, ये वाली। जब ये ठंडी होती हैं तो फिर अपनी जगह बना लेती हैं, अकड़ जाती हैं थोड़ी सी, तो आराम से निकल आती हैं। तो अब मैं इनको निकालती हूँ, फिर आपको दिखाते हैं, कोशिश करते हैं निकालने की। ये निकल आई, ये देखिए कलर देखिए इनका, बहुत मज़े की, बहुत अच्छी। देखते हैं इसको तोड़ के, जो टूटने लगी थी उसी को मैंने तोड़ा है। ये देखिए कितनी सॉफ्ट है, कितनी मज़े की है। व्यूअर मैंने खुद ही खाई है, बहुत मज़े की है, अपने मुंह से खुद ही तारीफ कर रही हूँ, लेकिन आप बना के ज़रूर देखिएगा कि कैसी बनती है, बहुत अच्छी बनती है। बाजार वालों में तो अब जान ही नहीं है, कोई भी छोटी छोटी सी बिस्किट कर दी है। तो बनाइएगा ज़रूर, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। खुदावंद आप सबको सलामत रखे, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।